संगीत सरिता प्रिय श्रोताओ, संगीत सरिता के अंतर्गत आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला चित्रपट संगीत में सौंदर्य तत्व। इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध संतूर वादक श्री उल्लास बापट और प्रसिद्ध तबला वादक श्री अनीश प्रधान ने। आज सुनिए इसकी पहली कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को उल्लास बापट का नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज इस श्रृंखला में हम सुर और ताल के माध्यम से चर्चा करेंगे चित्रपट संगीत की रचनाओं के सौंदर्य तत्व पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रसिद्ध तबला वादक श्री अनीश प्रधान जी आए हुए हैं। नमस्कार। आप ये तो जानते हैं कि कुछ गानों का हमें विशिष्ट राग से संबंध मिलता है, लेकिन बहुत गाने ऐसे हैं कि जिनका वर्गीकरण हम विशिष्ट रागों में कर नहीं सकते, बल्कि किसी एक थाट से उनका रूप मिलता है। हमारे शास्त्र के अनुसार जो 10 थाट कहे गए हैं उसको मैं संतूर पर बजा के आपको सुनवाता हूँ। मेरे ट्यूनिंग की जो विशिष्ट पद्धति है क्रोमैटिक ट्यूनिंग, इससे ये 10 थाट एक के बाद एक बजाना इस पर संभव हुआ है। जैसे बिलावल, जिसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं, खमाज, जिसमें निखाद कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध हैं, काफी, जिसमें गंधार और निषाद कोमल है, आसावरी, जिसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल है, अभी कल्याण थाट, जिसमें बाकी स्वर शुद्ध है, सिर्फ मध्यम तीव्र है, थाट मारवा, जिसमें रिखब कोमल है, मध्यम तीव्र है और बाकी स्वर शुद्ध हैं, पूर्वी, जिसमें रेखब कोमल, तीव्र मध्यम और कोमल धैवत का प्रयोग है, अभिभैरव, जिसमें रेखब और धैवत कोमल है, टोडी, जिसमें रेखब, गंधार और धैवत कोमल है और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया है, और सबसे आखिर में भैरवी, जिसमें रेखब, गंधार, धैवत और निषाद कोमल है। किसी एक संगीत रचना को सुंदर बनाने में जितना महत्व स्वर का है उतना ही महत्व ताल का है, इस बारे में हमें बता रहे हैं अनीश जी। गाने के साथ बजाए जाने वाला विशिष्ट ताल, उसका ठेका और उसकी लय या गति, ये सभी बातें गाने के अनुरूप हो तब गाने की सौंदर्यता बढ़ती है। उल्लास जी, क्यों ना हम श्रोताओं को अलग अलग तालों के उदाहरण दें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा खेमटा बजा के सुनवाइए, तो मैं एक धुन उसमें पेश करता हूँ।
अभी इसी रचना को आप कहरवा में सुनिए। इसी रचना को हम दीपचंदी ताल में पेश करने जा रहे हैं। अनुभव कीजिए इसके सौंदर्य की और एक छटा। उल्लास जी, अभी जो ताल हमने बजाए उनका उद्गम लोक संगीत से हुआ है और चित्रपट संगीत में इनका बड़ा मनभावन प्रयोग हुआ है। लेकिन चित्रपट संगीत में प्रयोग होने वाले कुछ तालों का संबंध शास्त्रीय संगीत से भी है, जैसे रूपक, झपताल, एक ताल और तीन ताल। तो क्यों ना हम इन तालों से भी अपने श्रोताओं का परिचय करवाए। ठीक है, तो हम राग जनसमोहिनी में रूपक की एक बंदी सुनते हैं। और अब राग किरवाणी में एक झपताल की बंदिश सुनिए। राग हंस ध्वनि ताल एक ताल।
हंस ध्वनि के बाद इस कड़ी का समापन राग भैरवी में एक बंदिश से कर रहे हैं जो तीन ताल में निबद्ध है। चित्रपट संगीत में सौंदर्य तत्व। आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध संतूर वादक श्री उल्लास बापट और प्रसिद्ध तबला वादक श्री अनीश प्रधान ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।